मेरे भी रखे हुए, रात में बजाते हो जानवरों को भगाने के वास्ते, जब खेत पे रह जाता। तो दोस्तों एक नए व्लॉग की शुरुआत करते, ठीक है। मैं आज आया हुआ था वनचुड़ी पे, तो पहला मैंने इसमें डाल दिया पहला पार्ट, ये दूसरा यहाँ पे है ना, कट्टे काम चालू है, देख सकते हैं आप। इधर जीसीपी आया हुआ है और वो नदी को रोक रहे हैं दरअसल में। तो मैं आज शहद देखने को आया था, मेरे मामू के साथ शहद तो कुछ मिला नहीं, शहद नहीं मिला। देख सकते हैं यहाँ पे खेता बहुत अच्छे है, और जो धंधा लोग हैं मेंढी चराने वाले, उन्होंने मेंढे भी ला के उठाए हुए हैं। ओके, और अम्मा बढ़ रहा धीरे धीरे उन्हीं की तरफ, मामू भी आगे चले गए, वो जा रहे मामू। और बहुत अच्छी खेती हुई यहाँ पे, क्योंकि पानी बाद में गिर गया था इसलिए लोगों ने माल पेड़ डाले और डबल से। और मेरा दोस्त निहार प्रदीप वो भी आए हुए, उन्होंने उन्होंने प्याज लाए हुए दरअसल में, पेज में कांदा। हम कुछ बोल रहे हैं धंधरों को, आप देख सकते हैं ये धंगर, और आप देख सकते हैं धंगर लोग है। महाराज तो कर दो जरा काम उनका, ठीक है। वहां तक जाता बोले आज भी लोग, कैसा नीलिया है, है? नीलिया भाव मेरा दोस्त, आज व्लॉगिंग में वो भी आ गया इनका ना, पहिए से ऊपर, पहिए से ऊपर, पहिए पहिए के साथ आएगा ना, सिल सिल कुछ 3-4 मीटर का आएगा। उसके बाद कहेंगे बोल रहे हो में फीट बोलो उनको, मीटर मीटर कितना मीटर होगा, 4 मीटर का बताएंगे। देख सकते हैं आप उधर उनके धंगरों के घोड़े चढ़ रहे, और जो खेती का जो काम कर रहे थे हमने उनकी थोड़ी बातचीत सुना दी। खेत वाले बोल रहे थे दरअसल में कि 30 मीटर काम होना चाहिए, लेकिन बंदा वो भी बोला कि 30 मीटर काम होगा। तो अभी ये मंडिया वाले आए हुए यहाँ पे, ये पूरा ये उखाड़ रहे हो कपास कि उनके रहने के वास्ते। देख सकते आप बहुत सारे मंडिया इनके पास, हमारे पास शिप को मंडी बोलते। अरे मामा उखाड़ते फिर रहे मंडिया को, यो पलटी आदाब आदाब क्या छड़ा का, ठीक है ये चारे मंडे चारा ना गए नहीं गऊ गाँव को कहा जाते हैं क्यों मन मारवा क्या दोबारे से चालू कर रही है। हाँ चालू ना, ये होल उड़ा रहे क्या भैया? अभी ये होल उड़ाने की तैयारी में है ब्लास्टिंग की, अच्छा तैयार होगा तो यार मिला माशाला मंडे अच्छे होगा तैयार एकदम। फिर ये चारा ना चारा है आपके, ठीक है उखाड़ रहेगा क्या है? हाँ उखाड़ रहे ना गाय को, तो उखाड़ उखाड़ना जरूर रहता है उसको, उखाड़ना जरूर रहता। देख सकते हैं आप, ये जंगल लोगों की जिंदगी ऐसी होती है पूरी जंगलों के अंदर। और यहाँ पे बैठने का इंतजाम कर रहे हो उनका, यहाँ पे घर लगेंगे या खेमे लगेंगे उनके कैंप, और उसी के अंदर रहते हो। उनके बाद देख सकते हैं आप काफी बहुत सारे मंडिया माशाल्लाह, और उनके डॉगी वगैरह उनको तो रखना ही पड़ता। इधर खेतों में मक्का लगी हुई है, अरे पूरे इंतजाम के साथ है वो, जाली वगैरह उनकी उसके अंदर ही सारे उनके मंडिया बंद कर देते हो रात के टाइम में। और कुत्ते तो रहती रखवाली के वास्ते, उनका देख परिवार के साथ आए घोड़े घोड़े सब घोड़े मैंने बताया उधर चढ़ते हुए। और ये पूरी कपास अभी ये यहाँ पे खेंगे मंडिया हो, कपास अब ख़त्म होगी निकलना। इधर भी देखो काफ़ी सारी उखाड़ दी उन्होंने, और उन्होंने तो देख सकते हैं मक्का अभी तक निकाले नहीं, यहाँ पे शायद निकालने वाला और मशीन नहीं आया इससे मक्का निकाली जाती, तो उन्होंने ऐसी पूंज मार के रख दिया पूरा ढेर उसका। और जब ये खेत पेरने लगे थे
तभी इन्होंने मचान बनाए हुए, देखो इसको खोपड़ी बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं ऊपर चढ़ के बता देता आपको। ठीक है, क्योंकि सारे खेत की रखवाली इसी से करते हो, कोई जानवर वगैरह आया क्या। और सामने कुआ है एक, उसमें पानी भी है पर इतना पानी नहीं हुआ कि माल पे थके। और उधर प्याज लगी हुई है, वहाँ पे सूरज फूल। और ये ऐसी खोपड़ी है दोस्तों, सीढ़ियों से चढ़ते जाना पड़ता। तो आपको चढ़ के बताऊँगा। भारी की लकड़ी है, मुझे डर लग रहा। ओके, देखिए फट्टा वट्टा सब रखे हुआ इनका इंतजाम। और आप देख सकते हैं सारा खेत नजर आएगा यहाँ से। और ये देख सकते हैं इनका ढोल वगैरह भी रखे हुआ है, रात में बजाते हो जानवरों को भगाने के वास्ते जब खेत पे रह जाता। कोई भी जानवर रहे यहाँ से नज़र आया था उनको खोपड़ी के ऊपर बैठे, सकते अंदर के नज़ारे। यहाँ से चढ़ के आया झोपड़ी के ऊपर, तो ज़रूरी है खेतों की पूरी देख रेख हो जाती कोई जानवर आ रहा है क्या नहीं। तो एक अच्छा बहुत पुराना सिस्टम और बहुत कारगर है कि ऊंचाई के ऊपर बनाते लोग देखने के लिए खोपड़ी। चलो अपना तो अब उतरने की तैयारी हो रही मेरी, देख सकते हैं आप। और बहुत दूर से और बहुत देर तक बैठे रहे यहाँ पे, लेकिन बहुत बारीक लकड़ी है तो इस वजह से मेरे को डर लग रहा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। पूरा हिल रहा था वो, आ गया मैं उतर के। वैसे तो कुआ मैंने आपको बता दिया, और अब मैं शाम का वक्त हो रहा। ठीक है, मैं जाने की तैयारी में घर को। प्याज लगी हुई है कांदा, और इधर है सूरज फूल, क्योंकि बहुत खूबसूरत खेत है सूरज फूल के। अभी लगा नहीं, इसको तैयार नहीं हुआ, खाली खिल गया पूरा फूल। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे साथ इधर मेरे पास, मैं सूरज फूल के खेत में देख सकते हैं आप। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। और इधर प्याज का खेत दोस्तों, ये व्लॉग को अपन ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों इधर का कुछ सूरज फूल तैयार हो गया, देख सकते हैं आप। बीज भी उसके लग गए, ये देखिए अंदर काले बीज दिखाई दे रहे होंगे आपको। कुछ लग गया, कुछ अभी लगना बाकी है। ठीक है,